हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल युवराज द रिव्यूअर। तो कैसे हैं आप सब गाइस? जैसा कि आप सभी को पता है कि गुड़गांव के अंदर एक से एक अलीशान होटल है और हमने बहुत सारे होटल्स आप लोगों के लिए कवर करे हैं, लेकिन बार बार हमारे पास मैसेज आ रहा था कि आप लोगों ने अभी तक ग्रैंड हयात के रूम नहीं दिखाए। तो क्या किया हमने, हम चल पड़े ग्रैंड हयात की ओर और हमने आप सभी के लिए बुक किया जो उनका सबसे अच्छा स्वीट अवेलेबल था, क्योंकि उसके बाद अभी होटल के अंदर रेनोवेशंस चल रही हैं। होटल अभी पूरा ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन तब भी हमने आप सभी के लिए उस रूम को बुक किया और मैं अब आपको देने वाला हूं उस रूम का फुल टूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई मीट मिस्टर अंगद, वन ऑफ द मोस्ट स्माइलिंग फेसेस आई हैव सीन हियर एंड अ वेरी स्मूथ व्हाट यू से चेक इन प्रोसेस आई हैव गॉट। एंड Angad has promised me that this is the highest, not the highest, second? One of the top most facing and good facing room he has given to me. So let's see the room and I will show you कि किस तरीके का पूरा इनका जो room है, suite है जो हमने upgrade किया है। And चलिए start करते हैं इस vlog को। So guys, काफ़ी अच्छी property बना रखी है इन्होंने, काफ़ी जिस तरीके से Grand Hyatt नाम है उसी तरीके से इसको grand बनाया है। और जो प्लेसमेंट्स हैं, जो फर्नीचर्स हैं, जिस तरीके का इंटीरियर है वो काफ़ी लाजवाब है। जस्ट चेकिंग इन इनटू माय स्वीट। वाओ, कितनी बढ़िया फीलिंग आती है ना जब भी हम किसी स्वीट के अंदर एंटर करते हैं। तो आपको आते के साथ पानी की बोतल मिल जाती है एंड देन यू गॉट अ वेरी स्पेशियस एक रूम मिल जाता है आपको। यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ चिल कर सकते हैं। अ बिग स्क्रीन, ऑलमोस्ट आई थिंक 65 या 75 इंचेस ये जो स्क्रीन है। एक बहुत ही बड़ा मिरर, अगर आपको अपने आप को देखना है तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। देन कॉफ़ी एंड टी मेकर, देन साथ ही साथ में यहाँ पे आपको आपका मिनी फ्रिज मिल जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। एंड देन यहाँ से हम जाएंगे तो आपको मिल जाएगा एक सेपरेट पाउडर रूम। अगर आपके कुछ दोस्त आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए तो वो यहाँ पर आकर यूज़ कर सकते हैं आपका पाउडर रूम। काफ़ी सुंदर, देखें कितना बढ़िया ये पाउडर रूम है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा मेरे को अभी तक लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज रिव्यू करी हैं। नाउ लेट मी टेक यू टू द मेन रूम। आपको यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशियस बेडरूम आपको मिल जाता है, बेड मिल जाता है। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा लॉन्च जो आपका एक वॉशरूम का जो उन्होंने एरिया बना रखा है वो है। काफ़ी बड़ा टीवी आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, चेयर्स, सिटिंग चेयर एंड देन काफ़ी अच्छा व्यू आपको मिलने वाला है। रात का जो व्यू है वो मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ। देन उसके बाद मैं आप सभी को लेके चलता हूँ इनके वॉशरूम एरिया में। ये है आज का मेरा सेटअप, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। काफ़ी ह्यूज वार्डरोब, एक नंबर का एक वार्डरोब आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको बाथिंग सूट्स मिल जाते हैं। देन काफ़ी सुंदर, देखिए आपका खुद का जो बाथटब है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। हिज एंड हर इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है वॉश बेसिंस जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। देन बहुत ही अच्छा एक स्पेशियस आपको ये जो अपना शावर एरिया है वो मिल जाता है। एंड देन ये हो गया आपका WC एरिया, ये ऑटोमेटिक है। ये भी आजकल नई जो अपनी होटल्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद होटल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, रेस्टोरेंट कैसा है, ब्रेकफास्ट कैसा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ज़रूर बने रहिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, ये है इनके जिम फैसिलिटी जहाँ पर होटल के हिसाब से काफ़ी अच्छा जिम इन्होंने बना रखा है। लेग प्रेस मशीन है, देन आपका चेस्ट प्रेसेस हैं, शोल्डर के लिए है, लेटरल रेसेस हैं, बेंच है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और वो यूज़ करना चाहते हैं फिटनेस इक्विपमेंट्स को, जिम को, तो ये उनके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। तो जितने भी फिटनेस फ्रीक हैं वो भी यहाँ पर आकर इस फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका पूल कैसा है। सो यहाँ पर आपको इनकी जो पूल है, पूल का जो फैसिलिटी है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा बना रखा है, इन्फिनिटी काइंड ऑफ व्यू जो आप लोग देखना चाहते हो। आजकल बहुत सारे होटल हैं वो बनाते हैं, काश ये टॉप फ्लोर पर होता तो शायद और भी मज़ा आता। आई थिंक इनका एक और पूल शायद बनाएंगे और ये कह रहे थे कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली वार्म वाटर हो जाता है या ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है।
आई थिंक थोड़े टाइम के बाद इस फैसिलिटी को ये लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, ये है नाइट व्यू जो आपके स्वीट्स हैं वहाँ से आपको ये नाइट व्यू मिलने वाला है। ये आपका एक्सटेंशन का रोड है, यहाँ पे ये सारा का सारा एक्सटेंशन है। एंड देन अगर आप देख पा रहे हो तो वो जो रोड आ रहा है ये वाला, ये गोल्फ कोर्स रोड है पूरा का पूरा। यहाँ पर आपको जो भी मेजर नाइट पब्स हैं या जो हैपनिंग्स हो रही हैं वो आपको मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल रोमियो लेन है यहाँ पर, देन अवतार जो कि वन ऑफ द बेस्ट नाइट क्लब्स हैं यहाँ पर, देन बेलाजियो यहाँ पर है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नाइट लाइफ का, आपको अगर जाना है तो आप लोग आ सकते हैं। एंड इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट है अगर नाइट लाइफ इंजॉय करनी है तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, अगर आपको सिर्फ यहाँ पे रिलैक्स करना है, सोने आना है, तो शायद दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये जो म्यूज़िक बज रहा है ये आपके रूम तक आता है। आई थिंक हयात शुड डू अबाउट समथिंग अबाउट दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं पर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो है। आई नो इन लोगों ने ईयर प्लग्स और ये सारी की सारी चीज़ें रखी हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो ईयर प्लग्स लगाना नहीं चाहते हैं। सो ये है नाइट व्यू, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। ये है नाइट व्यू आपका यहाँ का, यहाँ से मैं आपको कल दिखाऊंगा पूरा ब्रेकफास्ट कैसा है एंड देन उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ है। आज कुछ दोस्त मिलने आ गए थे, उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ वीडियोस बनाई नहीं खासकर। देन उसके बाद अभी मौका मिला तो मुझे लगा कि आप सभी को एक नाइट व्यू वाला जो शॉट है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो गाइस, मैं अब आपको दिखाने आ गया हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं। यू गाइस हैव नॉर्थ इंडियन अजवाइन पूरी, पराठा, आलू भाजी, छोले, वेजिटेबल ओट्स, साबूदाना खीर, वाओ, फ्रेश जूस एंड देन लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल। काफ़ी अच्छी सिटिंग है यहाँ पर, विल हैव स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, कोल्ड कॉफ़ी एंड एवरीथिंग। साउथ इंडियन का जो पूरा एक मेन्यू है वो यहाँ पे लगा रखा है, पोहा से लेकर हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड देन यहाँ पर आपकी सिटिंग हिस्सा है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे क्रॉसों, देन आपके केक्स जो भी आप लोगों को पसंद है। देन यहाँ पे इनके लाइव स्टेशंस हैं जहाँ पर आकर आप लोग जो भी खाना चाहें वो आप खा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मोस्टली मैं यहाँ पे डिनर के लिए आता हूँ लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो वेजिटेबल नूडल सूप ये सब हमारे, आई थिंक हक्का नूडल्स तब भी अच्छा लगता है। तो ये है ब्रेकफास्ट, चलिए अब मैं इन्जॉय करता हूँ ब्रेकफास्ट एंड देन आपको दिखाता हूँ कि और अगर कोई और एक्टिविटीज़ है यहाँ पे आ रही है। ओके सो गाइज, अब समय आ गया है इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को चेकआउट करने का, यहाँ से निकल जाने का, और काफ़ी अच्छा स्टे रहा है यहाँ पर। यहाँ पे बहुत सारे रूम्स कैटेगरी हैं जैसे डीलक्स एंड ऑल, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर और आनी है, एमिनिटीज़ और आनी है। आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत सारी और चीज़ें ओपन हो जाएंगी। सो मैं रुका था यहाँ पे स्वीट में, तो मुझे लगा कि आप लोगों को एक बार स्वीट के दर्शन करा दूँ। फिर जल्दी से मिलते हैं आपसे फिर से किसी एक और वीडियो में जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा एक अच्छी सी प्रॉपर्टी और एक अच्छा सा रूम। चलिए बाय बाय।